गुड मॉर्निंग क्लास वन। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकालिए और हिंदी की कॉपी, हिंदी की बुक में पेज नंबर 86 ओपन कीजिए। पेज नंबर हमारा 86 पे है, अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न किसका है, पेज पलटेंगे, पेज नंबर आइए 84 पे, पेज नंबर 484 पे है जानकारी सफाई की। तो मैंने अब इसके अभ्यास प्रश्न आज करवाएंगे। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको जानकारी सफाई की यह पढ़ा दिया था, आपको कहा था इसे पढ़िएगा, आपने पढ़ा भी होगा जानकारी सफाई की, सफाई की जानकारी, सफाई कैसे करनी चाहिए, मैं प्रतिदिन सुबह ब्रश करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, मैं अपने नाखून साफ रखने चाहिए, ये मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा। अब इसके अभ्यास प्रश्न पे आइए। अभ्यास प्रश्न में है, अभ्यास है हमारा मौखिक प्रश्न में, किसने किससे कहा, तो ये हम प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लिए। कॉपी के ऊपर आपसे हेडिंग डालेंगे जानकारी सफाई की, ये पाठ का नाम है जानकारी सफाई की। फिर पहला प्रश्न है किसने किससे कहा, मैं कहे मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है, यह शब्द किसने और किससे कहा, तो उत्तर में लिखेंगे सिंकू ने कहा, किससे, मम्मी से, मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। फिर से प्रश्न का सुनिए, मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है, किसने किससे कहा, तो सिंकू ने कहा मम्मी से, मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। प्रश्न ख है, क्या तुमने अपने दांत साफ किए, उत्तर में लिखेंगे किसने किससे कहा, पापा ने किंसू से कहा कि तुमने अपने दांत साफ किए। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे, मौखिक प्रश्न था लेकिन मैंने रिटेन में लिखवा दिया आपकी कॉपी में, इसे लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे। चलिए अब बुक पे आइए, हमारे मौखिक प्रश्न हो गए, अब यहाँ लिखित प्रश्न पे आइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है सही उत्तर चुनो। क, किंसू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था, किंसू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था, पार्क, बाजार, स्कूल, तो कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल। ख, किंसू के पापा ने क्या साफ करने के लिए कहा, नाखून, दांत, आँख, तो क्या साफ करने के लिए, किंसू के पापा ने क्या साफ करने के लिए कहा, आपने कहानी पढ़ा है तो बताइए, नाखून, दांत, आँख, तो क्या साफ करने के लिए कहा, दांत। ग, भोजन से पहले क्या धोने चाहिए, भोजन करने से पहले हमें क्या धोने चाहिए, पेट, हाथ, पैर, तो भोजन करने से पहले हमें क्या धोना चाहिए, हाथ। ये हमारे प्रश्न नंबर दो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, मैंने आपको करवा दिया, आप इस तरह से अपने बुक में कीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर थ्री, सही शब्द छांटकर वाक्यों को पूरा करो, सही शब्द इसमें से लिखे हुए हैं, इसमें से छांटकर इस वाक्य को पूरा करना है। पहला क, दांत साफ नहीं करने से लग जाते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, क्या लग जाते हैं दांत साफ नहीं करने से, कीड़े, दांत में क्या लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दांत साफ नहीं करने से कीड़े लग जाते हैं। ख, हमें प्रतिदिन भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, किंसू के कटे हुए थे, क्या कटे हुए थे, नाखून कटे हुए थे। प्रश्न नंबर फोर, किंसू पापा के साथ गया, कहाँ गया, स्कूल में, किंसू पापा के साथ स्कूल गया। ग, दांतों में दर्द होने से गालों में आ जाती है, क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो हमारे प्रश्न नंबर थ्री, सही सब छाड़कर वाक्य पूरा करो, मैंने करवा दिया, पहले में कीड़े, दूसरे में स्नान, तीसरे में नाखून, घ में स्कूल, अड़ा में सूजन, तो हमारे सही खाली स्थान थे, सही सब छाड़कर वाक्य पूरा करो, ये हो गया। अब नीचे आइए, सोचो और बोलो, प्रश्न नंबर फोर है, साफ सफाई नहीं करने से होने वाले नुकसान,
होने वाले नुकसान के बारे में कक्षा में चर्चा करो। आप अपने कक्षा में जब स्कूल खुलेगा या अपने घर पे भी अपने मम्मी पापा से साफ सफाई नहीं करने से होने वाले नुकसान के बारे में बात कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। तो हमारा अभ्यास प्रश्न जानकारी सफाई की कंप्लीट हो गया। आप अपने बुक में इस तरह से कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।